देखिए नेताजी की सीट है, यहाँ से कोई भी प्रत्याशी अखिलेश जी उतार दे, जो हमारे मंत्री जी है पूर्व सीएम जी, तो वो जो भी प्रत्याशी यहाँ से उतार दे, कोई भी उतार दे, नेताजी की सीट है, 100% जीतेगा। मेरा गांव क्या पूरा प्रदेश चौपट हो गया है बाबा की सरकार में, गईयों ने और ये नौकरी नहीं मिल रही नौजवानों को, बेरोजगार बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं सब। शिवपाल यादव को नहीं लेके आए बीजेपी, शिवपाल सिंह हमेशा सफाई में रहेंगे। नहीं अभी अभी भी तो प्रसपा में है। नहीं प्रसपा है, लेकिन वो लगाव उनका सफाई से। अपर्णा यादव बीजेपी से आती हैं तो मैं सहयोग नहीं करेगा, मेरा ये गाँव सहयोग नहीं करेगा किसी का, अपर्णा यादव का नहीं। हम लोग समाजवादी हैं, नेताजीवादी हैं। देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस बार धर्मेंद्र प्रसाद जी को ही ऐसे उतारा जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के रठेरा गांव में। रठेरा गांव में ये करहल विधानसभा का ही गांव है, जो कि इसमें सबसे ज़्यादा यादव मतदाता ही ये रहते हैं। मैनपुरी में इस वक्त क्या चल रहा है लोकसभा सीट को लेके, कौन होगा उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से, ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के मतदाता। तो क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी क्या लग रहा है इस बार किसको टिकट मिलेगी? जो भी जो वो देंगे टिकट उन्हीं को वोट मिलेगा। नहीं, आपकी नज़र में समाजवादी पार्टी से कौन कैंडिडेट ज़्यादा बेहतर है? बहुत होने की बात है जिसको उतारे। अभी इन्होंने कुछ बोला, क्या बता रहे थे आप? भाई देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस बार धर्मेंद्र प्रसाद जी को ही ऐसे उतारा जाए। हाँ, और अगर शिवपाल यादव कुछ करते हैं? वो भी ठीक रहेगा, वो भी ठीक है अपनी जगह पर, वो भी यहाँ से उम्मीदवार ठीक रहेंगे। आपकी नज़र में वैसे कौन जो है सबसे सही उम्मीदवार रहेगा जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे, क्योंकि देखने में आ रहा है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही सीधा मुकाबला रहता है? सीधा मुकाबला और वैसे तो माननीय यानी धर्मेंद्र जी यहाँ से उम्मीदवार कई बार हो चुके हैं, ठीक है, उसके हिसाब से तो धर्मेंद्र जी ठीक रहेंगे यहाँ से। देखिए नेताजी की सीट है, यहाँ से कोई भी प्रत्याशी अखिलेश जी उतार दे, जो हमारे मंत्री जी है पूर्व सीएम जी, तो वो जो भी प्रत्याशी यहाँ से उतार दे, कोई भी उतार दे, नेताजी की सीट है, 100% जीतेगा। नहीं, अगर मान लीजिए डिंपल यादव को डिंपल जी आ जाए तो 100% जीतेंगी, धर्मेंद्र जी आ जाएं वो भी जीतेंगे, और शिवपाल जी आ जाएं वो भी जीतेंगे। अगर बीजेपी ने अपर्णा यादव को उतार दिया तो? अरे ऐसा नहीं है, अगर उतार देंगे तो फिर भी जीतेंगे 100% जीतेंगे, क्योंकि ये कट्टर गांव जो है रठेरा गांव समाजवादी का नेताजी का गांव, बहुत जबरदस्त गांव है, और जब से नेताजी गए तब से ऐसे मान लो यहाँ शोक जो जताया जा रहा है। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निर्वेश कुमार। निर्वेश कुमार, निर्वेश जी इस बार कौन कैंडिडेट? धर्मेंद्र सांसद जी। धर्मेंद्र सांसद, क्यों ऐसा? यहाँ पे ऑलरेडी वो पहले से रह चुके हैं, उनका हमें स्वभाव मालूम है, आज उन्होंने बहुत काम किया है मैनपुरी के लिए, तो उनके लिए उनसे हमारा। और कहीं अगर बीजेपी शिवपाल यादव को लेके आ गई तो? शिवपाल यादव को नहीं लेके आई बीजेपी, शिवपाल सिंह हमेशा सफाई में रहेंगे। नहीं अभी अभी भी तो प्रसपा में। नहीं प्रसपा है, लेकिन वो लगाव उनका सफाई से है, सपा से ही है। अगर आ जाते हैं कहीं, अगर समर्थन करती बीजेपी तो? नहीं करेगी। और भी कुछ लोग हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मानेश यादव। मानेश जी, मानेश जी ये बताइए इस बार कौन रहेगा उम्मीदवार सही? ऐसा है, अगर सपा की सरकार से कोई भी आ जाएगा वो जीत जाएगा पक्का, 100%, कोई भी लड़ जाए। कैसे लगता है, क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव का ये आखिरी इलेक्शन था उसमें कम वोटों से भी जीत पाए, जबकि पहले लाखों में जीत होती थी? ऐसा है, अब वोट कुछ भी बाहर भी है कोई, अब जैसे यहाँ पहले 80% 90% हो जाता था, अब कुछ आदमी बाहर है तो वो नहीं आ पा रहा, इसलिए वोट कम रह जाती है। ऐसा कुछ नहीं कि वो पार्टी जीतेगी नहीं, या अपना लड़े चाहे शिवपाल सिंह उस बीजेपी से लड़े, कोई भी लड़े, अन्यथा जीत नहीं होगी यहाँ से। जीत नहीं होगी, नहीं जीत। और भी कुछ लोग हमारे साथ, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र जी ये बताइए इस बार कौन कैंडिडेट सही रहेगा? जिसको भैया भेजेंगे वही सही रहेगा। नहीं, अगर अपर्णा यादव बीजेपी से आती हैं तो? मैं सहयोग नहीं करेगा, मेरा ये गांव सहयोग नहीं करेगा किसी का, अपर्णा यादव का नहीं। हम लोग समाजवादी हैं, नेताजीवादी हैं, हमारे जो नसों में खून है वो समाजवादी का खून है, जो हमारी नसों में खून रेंग रहा है वो समाजवादी खून है। मैं लोग समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी को ही वोट करते हैं। मतलब समाजवादी पार्टी जो भी आएगा उसका समाजवादी वोट करेंगे, चाहे वो शिवपाल चाचा समाजवादी से आ जाए, चाहे वो धर्मेंद्र यादव आ जाए, वो बीजेपी से आ गए कहीं नहीं। हम लोग समर्थन नहीं करेंगे।
उनका समर्थन नहीं, मतलब बीजेपी से अपर्णा या शिवपाल कोई भी आए, कोई भी आए मैं सहयोग नहीं करूंगा, नहीं सहयोग करेंगे। बीजेपी का तो यहाँ नाम ही नहीं आना, बीजेपी का तो यहाँ नाम नहीं आना भैया। अगर परिवार का कोई सदस्य अगर उनका आता है तो मेरा गांव क्या पूरा प्रदेश चौपट हो गया है बाबा की सरकार में, गईयों ने और ये नौकरी नहीं मिल रही नौजवानों को, बेरोजगार बिल्कुल सड़क पर आ गए हैं सब। और कुछ नौजवान है हमारे साथ में, क्या नाम है आपका जी? कौशिक यादव। कौशिक, ये बताइए कौन मजबूत दावेदार रहेगा इस बार? देखो जो सपा से आएगा वही मजबूत रहेगा यहाँ पे, चाहे डिंपल आ जाए, चाहे शिवपाल भैया आ जाए, कोई भी आ जाए, जिसे अखिलेश भैया भी वही यहाँ से सीट निकलेगी और एक नहीं लाखों में जाएगी ये जीत। अगर कहीं मान लीजिए बीजेपी अगर अपर्णा या शिवपाल में से किसी एक को उतारती? नहीं, बीजेपी से कोई भी आ जाए, केवल वोट पड़ेगा तो साइकिल में ही पड़ेगा। साइकिल को देख के वोट करेंगे आप जी? हम लोग समाजवादी हैं। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। राहुल जी, इस बार बताइए कौन मजबूत रहेगा, क्योंकि सीट अब खाली हो चुकी है? वो बात वही है जो आपको सब लोगों ने बताई है कि जो भी सपा से आएगा वो यहाँ से जीत के जाएगा। अगर परिवार का जैसे अपर्णा या शिवपाल कोई अगर दूसरा सदस्य किसी अन्य पार्टी या बीजेपी से आता है तो क्या? ना देखो, यहाँ से वही बात आ जाएगी, यहाँ से कोई भी उतरेगा ऐसा, अगर उतारता है कोई लोग वहाँ से तो वो जीतेगा सपाएगा। बीजेपी के यहाँ से कोई सपोर्टर नहीं है, यहाँ पे टोटल समाजवादी लोग हैं। तो ये थे हमारे साथ में कुछ रठेरा गांव के ग्रामीण जिन्होंने अपनी राय रखी। उनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी से साइकिल के चिन्ह पे ही वो लोग देख के अपना वोट करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, परिवार का सदस्य हो या उसके बाहर का भी हो, भले ही बीजेपी से अपर्णा यादव हो या शिवपाल यादव, किसी को भी उतार दे लेकिन वो उसका समर्थन कतई नहीं करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।